फ्रेंड्स, मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी चटोरे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूं डायबिटीज के ऊपर। जी हां फ्रेंड्स, आज हम जिसको देखते हैं, सुनने में आता है और पता चलता है कि ये इंसान डायबिटीज से परेशान है, डायबिटीज हो गया है इसे, या फिर हम इसे दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं शुगर हो गया है इसे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि डायबिटीज़ होता क्या है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी होती है, अगर हम उसे समझ सकें कि ये बीमारी किस वजह से हो रही, कैसे हो रही है, और तब हमें उस चीज़ को हैंडल करने में बहुत हद तक आसानी हो जाती है। फिर उसमें हम ये भी देखेंगे कि हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा क्या खाना पीना चाहिए जिससे ये हम इस डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकें, और किस तरीके से हम मेडिसिन से और जो इंजेक्शन्स हैं इंसुलिन के, उससे बच सकते हैं, स्टार्टिंग में ही इससे निजात भी पा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं डायबिटीज़ की। जी हाँ फ्रेंड्स, डायबिटीज़ किसे कहते हैं, कैसे हो जाता है ये डायबिटीज़? फ्रेंड्स देखिए, जब भी हम कुछ भी खाते हैं तो वो खाना हमारे बॉडी में जाने के बाद ब्रेक डाउन होता है, और उसमें से कुछ ग्लूकोज है जो अलग होता है, जिसे हम शुगर भी कह सकते हैं, अलग हो जाता है। फिर यही शुगर या यही ग्लूकोज जो है हमारे सेल्स में जाता है, सेल्स इसे ऑब्जर्व करता है, और फिर हमारी बॉडी इसी ग्लूकोज को एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करती है। लेकिन जब इंसान डायबिटिक हो जाता है या उसे डायबिटीज़ हो जाता है, तो क्या प्रॉब्लम होती है? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो दो तरीके की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो पहले हम बात कर लेते हैं टाइप 1 की। फ्रेंड्स, क्या होता है टाइप 1 में? एक्चुअली हमारे बॉडी में जो पैनक्रिया होता है, उसमें सेल्स होते हैं, वो ही सेल जो है ये इस प्रोटीन को, इस इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हमारी बॉडी में, पैनक्रिया में ये सेल्स जो बनाने की कोशिश करते हैं इंसुलिन, उस वक्त क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको किल कर देता है, वो जो सेल्स हैं उन्हीं को किल कर देता है। तो क्या होता है, इंसुलिन जो बनना था वो बन नहीं पाता है, जिसके वजह से बॉडी का जो ग्लूकोज है वो सेल तक पहुंच नहीं पाता, सेल उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाता, और यही ग्लूकोज बॉडी मतलब ब्लड स्ट्रीम में हमारे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे ये जब बॉडी में बिल्डअप होने लगता है तो यही जाके आगे हमारा जो है बॉडी ऑर्गन को बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल हो जाता है, हमारे बॉडी ऑर्गन इससे सफ़र होने लगते हैं आगे फ्यूचर में। तो ये होता है डायबिटीज़ 1 में। अब डायबिटीज़ 2 में क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें पैनक्रिया में जो सेल्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इंसुलिन तो बनाते हैं, इंसुलिन बॉडी में होता भी है डायबिटिक 2 पेशेंट्स में, लेकिन ये जो इंसुलिन है जो ये ग्लूकोज को कैरी करते हैं ब्लड स्ट्रीम से और इसको अपने सेल्स तक सब पहुंचाते हैं, और सेल जो ऑब्जर्व करता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो ऑब्जॉर्प्शन पावर होता है सेल्स का, बॉडी का, वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। हम ये कह सकते हैं कि वो कैपेबल ही नहीं होता कि वो इंसुलिन को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर सके या उसको यूटिलाइज कर सके। तो फिर अगेन यहाँ क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज है बॉडी में वो कहीं मतलब वो यूटिलाइज हो नहीं पा रहा है, और ये अगेन क्या होता है, बॉडी में हमारे ब्लड स्ट्रीम में बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, और ये जब जमना शुरू हो जाता है यहाँ वहाँ ग्लूकोज, तो फिर ये फ्यूचर में जाके हमारे ब्रेन्स को, हमारे अदर बॉडी ऑर्गन्स को ये कहीं ना कहीं डैमेज करना शुरू करता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमें अपने डायबिटीज़ को, अपने शुगर को, अपने ग्लूकोज को कंट्रोल में करना है, जो नॉर्मल बॉडी में होना चाहिए उतना ही रखना है, ऐसे हमें बढ़ने नहीं देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमें अपने डायबिटीज़ को किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो हम पहले तो ये देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आ जाता है स्वीट। जी हाँ फ्रेंड, हमें स्वीट छोड़ना पड़ेगा और हमें इसे नहीं खाना है, और शुगरी ड्रिंक्स जितने होते हैं वो हमें नहीं लेना है। उसके अलावा आप वीट है जो गेहूं का आटा जिसे हम कहते हैं, उसे भी हमें ना इस्तेमाल करें या कम से कम इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं छोड़ पाते हैं तो आप उसमें मोटे अनाज जिसे हम कहते हैं, दूसरे ग्रेन्स को आप उसमें मिक्स करिए, जैसे कि बाजरा है, ज्वार है, भुट्टे का आटा है, रागी है, ये सारी चीज़ें आप मिक्स करके उसकी चपाती या पराठे बनाइए और वो खाइए।
और अगर आपको लगता है कि नहीं आप व्हीट के बिना भी रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ये दूसरे ग्रेन्स की रोटियां बनाइए और वो खाइए, तो ये भी आपको बहुत हद तक शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। उसके अलावा हमें अभी देखना है कि हमारे पास ऐसे आसपास क्या चीज़ें हैं जिसे हम अगर लेते हैं तो हमारा जो शुगर है वो बॉडी में अपने आप ही कंट्रोल में आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एक एक नाम आपको बताती हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारे नाम तो आप पहले से जानते ही होंगे और आपने सुना होगा, लेकिन क्या होता है हम उस पर जब हमें उस ज़रूरत होती है तो एकदम से याद नहीं आता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो मैं आप लोग को फिर से एक बार वो चीज़ बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, आपने सुना होगा फेनिग्रीक सीड, जी हाँ, जिसे हम मेथी के दाने भी कहते हैं, ये बहुत अच्छा माना जाता है अपने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। आप इसका तरीका ये है इस्तेमाल करने का, आप इसे रात में 1 टीस्पून आप इसको भिगो दीजिए और रात भर भीगा रहने दीजिए और सुबह में इसको आप च्यू करके अच्छे से सीड्स को खा लीजिए और वो पानी पी लीजिए। तो ये एक तरीका है जिससे आप देखेंगे कि बहुत हद तक आपका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल आ जाता है। उसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, इसको और एक तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सीड्स के आप ड्राई सीड्स के आप पाउडर बना के रख लीजिए और जब भी आप फुलका चपाती पराठा बनाते हैं तो उसमें इस पाउडर को इस 1 चम्मच से 2 चम्मच आप डाल लीजिए और फिर उसके बाद आटा गूंदिए और उसकी रोटियां खाइए। फ्रेंड्स, वो भी बॉडी में आपके जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही दूसरी चीज़ की है जिसे हम जानते हैं, जिसे हम करेला बोलते हैं या बिटर गार्ड भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छा होता है शुगर पेशेंट्स के लिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि करेले की हम सुबह में एम्प्टी स्टमक स्मूदीज बना के पिएं, और स्मूदीज़ के लिए वही आपको हाफ करेला ले लेना है, अच्छी तरीके से उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। अगर ऐसे पी सकते हैं फिल्टर करके तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। अगर नहीं पी सकते हैं तो आप इसमें जब इसे ग्राइंड कर रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा खीरा डाल लीजिए और अगर ग्रीन एप्पल मिलता है तो ये आप ऐड कर लीजिए। ये सब ऐड करके आप एक बहुत अच्छी सी ग्रीन स्मूदी मिल जाएगी आपको और आप इसे ले सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। और एक तरीका है इसको करेले को यूज़ करने का फ्रेंड्स, वो है कि आप इसका अगेन पीस लीजिए और उसको पीसने के बाद अपने आटे में उसको डाल के गूंद लीजिए, रोटियां उसकी बना के आप खाइए फ्रेंड्स। तो ये उस तरीके से भी आप इसे अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आप करेले की सब्ज़ी बना लीजिए। सब्ज़ी से मेरा मतलब ये नहीं कि उसमें बहुत सारा तेल और मसाला भर दीजिए, बिल्कुल नहीं। इसमें आपको थोड़ा ही तेल लेना है और अपने करेले को बस वॉश करिए, कट करिए, उसको डीसीड्स मत करिए, उसको पील मत करिए, उसको वैसे ही आपको बनाना है, टुकड़ों में काट लीजिए और उसको अच्छा फ्राई कर लीजिए और उसके बाद उसमें अपने हिसाब से हल्दी, नमक, मिर्च ये सब ऐड कर लीजिए और आप उसको बहुत अच्छे से चपाती से पराठे से आप उसको इंजॉय कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद आ जाता है हमारा नीम। जी हाँ फ्रेंड्स, आप हमारे आसपास नीम के पेड़ बहुत सारे मिल जाते हैं तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये नीम जो है बहुत, इसमें आप देखेंगे कि नए नए पत्ते आते हैं नीम में, जी वो आपको जब नए नए एकदम टेंडर लीफ जिसे हम बोलते हैं उस वक्त ये एकदम छोटे छोटे लाल लाल नज़र आते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। हो सके तो आप रोज़ अर्ली मॉर्निंग उस लीफ को लीजिए और अच्छी तरीके से वॉश करिए और उसको अच्छी तरीके से च्यू करके खा लीजिए। अगर आप च्यू भी नहीं कर सकते तो उसको हल्का सा क्रश कर लीजिए और उसके बाद उसको पानी से ले लीजिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और नीम को आप और एक तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम एज अ पाउडर फॉर्म में रख सकते हैं और हमेशा मील से हाफ एन आवर पहले हम उसका 1 टेबल स्पून आप उसको कंज्यूम कर लीजिए और उसके हाफ एन आवर के बाद आप अपना मील ले सकते हैं। ऐसे भी आप 2 बार दिन में कर सकते हैं, सुबह में या रात में या आफ्टरनून में, जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप अपने हिसाब से उसको ले सकते हैं। अदर फॉर्म वही है उसका तरीका कि आप उसको फिर से अपने चपातीज़ में डाल लीजिए या फिर वो लीव्स को आप अपने जब करीज बना रहे हैं तो उससे तड़का लगा लीजिए और उसको भी खाने के साथ खा लीजिए, तो ये भी एक तरीका है। के बाद अभी तो मौसम वैसे भी जामुन का है। जी हाँ फ्रेंड्स, जामुन जिसे अपने इंडियन ब्लैकबेरी के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फ्रेंड्स।
और इसे भी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इसे ज़रूर कंज्यूम करें। और अर्ली मॉर्निंग जो एम्प्टी स्टमक कंज्यूम किया जाता है ये सारी चीज़ें, तो ये बॉडी बहुत अच्छी तरीके से हमारे सेल्स इसको अब्जॉर्ब कर पाते हैं और इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। तो ज़रूर इसको भी आप ट्राई करिए। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एलोवेरा जेल है, इसको भी हम सुबह में ले सकते हैं। उसके मेथी, ये अपना फेनिग्रिक लीव्स भी होती है, मेथी की पत्तियाँ, जो कि हमेशा आजकल तो हमें अवेलेबल हो जाती है, तो हमें इसकी भी सब्ज़ी बना के खाइए, या फिर इसको चपातीज़ में इसके लीव्स को ऐड करके बना के खाइए, पराठेज़ में बना के खाइए, इसको कैसे भी आपको कंज्यूम करना, इसके मेथी राइस बना के आप इसे खा लीजिए। जैसे भी ये सारी चीज़ें जैसे हमारे बॉडी में जाएगी, ये हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को धीरे धीरे नॉर्मल करना शुरू कर देगी और आप देखेंगे कि शुगर अपने आप ही आपका अपने लेवल में आ गया है फ्रेंड्स। इसके बाद और एक चीज़ है जिसे हम आंवला के नाम से जानते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छा है और बहुत बेनिफिशियल है डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो हमें इसका भी सुबह में स्मूदी बना लेना चाहिए और हमें इसको ज़रूर अपने डाइट में शामिल करना चाहिए फ्रेंड्स। ये भी अपना विटामिन सी से भी भरपूर होता है, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। उसके बाद और एक चीज़ याद आती है जिसे हम कहते हैं ड्रमस्टिक या फिर मोरिंगा लीव्स। जी हाँ, ये वही मोरिंगा लीव्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ जिसे हम ड्रमस्टिक्स के पत्ते भी बोलते हैं। ड्रमस्टिक मतलब बहुत सारी जगहों में इसे मूंगे की फली भी बोलते हैं या फिर सहियन बोलते हैं, अलग अलग जगहों में अलग अलग एरिया में इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, पर है ये वही। तो अगर आपके आसपास कहीं ये लीफ आपको इजीली मिल जाती, वेजिटेबल वेंडर्स के पास भी आप अगर बोलेंगे तो वो भी आपको ला के दे देते हैं, वो लीव्स ले लीजिए फ्रेंड्स, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए, वॉश करने के बाद उसे अच्छी तरीके से बारीक काट लीजिए, उसको भी आप करी बना के खा सकते हैं, उसकी भी आप रोटी या पराठे में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या चटनी होती है या फिर उसकी स्मूदीज है उसको बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये सारी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल में करने में। तो हमें इसे अपने कैसे भी इसका इनटेक रखना है, इसको अपने बॉडी में लेके जाना है, तो वो आपके ऊपर है। और जितना इसे आप रॉ फॉर्म में सारी चीज़ों को रखेंगे लेंगे, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने बॉडी के सेल्स उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसकी बेनिफिट्स उसके उससे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। और इसीलिए मैंने बताया वो ड्रमस्टिक भी बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप दाल बना रहे हैं तो उसमें उसको डाल लीजिए, उसकी भी करीज बना के खा सकते हैं आप, उसकी लीव्स को उसमें दाल में भी ऐड कर सकते हैं, राइस में ऐड कर सकते हैं, कटलेट बना रहे हैं उसमें ऐड कर सकते हैं, रोटी में, पराठे में, चटनी में, स्मूदीज़ में, जैसा आपको दिल करता है वैसा आप उसको इस्तेमाल करिए और इसके फ़ायदे को आप ज़रूर अवेल करिए फ्रेंड्स। तो बस मैं यही बताना चाहती थी कि ये सारी ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अगर अपने डाइट में इंक्लूड करें और हम इस पे ध्यान दे के इन सारी चीज़ों को खाते रहें फ्रेंड्स, तो हमें दवाओं की, मेडिसिंस की, इंजेक्शंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, हमें एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। किसी भी फॉर्म का हो एक्टिविटी, आप योगा कर लीजिए, आप एक्सरसाइज कर लीजिए, आप वॉकिंग कर लीजिए, आप डांस कर लीजिए, जैसा जो भी आपको करना अच्छा लगता है फ्रेंड्स वो करिए, पर हमेशा चलते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को एक्टिव रखने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। जब हम बॉडी को एक्टिव रखते हैं तो हमारा जो ग्लूकोज है वो बहुत अच्छी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है और बॉडी में जो ये शुगर का बिल्डअप होता है ये कम होने लगता है और हमारी बॉडी बहुत अच्छा फील करती है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारा शुगर जो है वो नॉर्मल नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ मैंने जो आज ये आपके साथ डिस्कस किया है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा और आपको अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, सिर्फ देखिए मत, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको आप अपने लाइफ में या आसपास आपके जो भी है उसको ज़रूर ये वीडियो फॉरवर्ड करिए और उनको भी इसका ये इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाइए ताकि वो लोग भी इसको इस्तेमाल करें और अपनी लाइफ में इस मेडिसिन को और इंजेक्शन को छोड़ सकें। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ईट हेल्दी एंड बी हेल्दी।